नमस्कार दोस्तों, विनू किचन में आपका स्वागत है। आज हम ककोड़े की सब्जी बनाने जा रहे हैं, यानी देसी करेले भी बोलते हैं इनको कई जगह। इस तरह से ये आते हैं, मैंने काट के तैयार कर लिया। और ये मार्केट में बारिश के टाइम ही आते हैं, बारिश के सीज़न में आते हैं, ज़्यादा दिन नहीं आते, महीने भर के लिए ही आते हैं। और बहुत कम जगह ये मिलते हैं, लेकिन खेतों में भी मिल जाते हैं वैसे तो ये, जैसे गाँव में तो खेतों में भी लगे होते हैं। इस तरह से हम इसको काट लेंगे, जैसे आगे की इसकी नोक हटाएंगे और ऐसे काट के हम इसकी तैयार कर लेंगे। अगर छोटे हैं तो दो काट लेंगे और बड़े हैं तो थोड़े चार काट लेंगे। और आप मार्केट में लाने जाओ तो इस साइज़ के ही ककोड़े लेना, ये इससे छोटे भी लेना, लेकिन इससे बड़े मत लेना, नहीं पक्के निकल जाते हैं। मैं भी दिखाती हूँ आपको, तो फिर उनकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती, फिर उनके हमें बीज निकालने पड़ते हैं एक एक के। तो ये देखिए, ये पक्का निकल गया, इसकी रेड बीज है, आप देख सकते हो। ये बीज खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते और ऐसे पत्थर के जैसे होते हैं ये, लेकिन इनकी हम बेल लगा सकते हैं, जैसे गमले में भी लगा सकते हैं, बहुत ही ककोड़े लग जाएंगे। और इसको मैं निकालूंगी बीजों को, इसको फेंकेंगे नहीं हम, बीज निकाल के फिर इसका सब्जी में डाल लेंगे, तो ज़्यादा आपके पके हुए आ जाएँ। तो इस तरह से आप कर सकते हो, इसलिए मैंने रखा था ये, दो तीन आ गए थे इसमें। और ये मैंने मिर्च ली है, तो दो लाल मिर्च काट के ले ली और दो हरी, और एक प्याज, बड़े बड़े साइज़ का प्याज लिया है काट के। जीरा लिया है तड़का लगाने के लिए, एक बड़ी गांठ ली है लहसुन की, इसको हम छील के तैयार कर लेंगे जब हमारी सब्जी पकेगी तब तक, और कूट भी लेंगे। ये एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप जो भी ऑयल यूज में लेते हो घर में वो ले सकते हो। बाकी सरसों के तेल में सब्जी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और हमारे हेल्दी भी रहता है शरीर के लिए। यहाँ पर लिया है एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे, तो वो पैन हम गैस पे रख लेंगे और उसमें ये तेल डाल देंगे गैस ऑन करके। इसको गरम होने देंगे, उसके बाद में इसमें जीरा डालेंगे हम। ये देखिए तेल गरम हो गया है, इसमें हम एक चम्मच जीरा डाल देंगे। और जीरा तड़क गया है क्योंकि तेल अच्छा गर्म हो गया। अब हम इसमें मिर्च और प्याज भी डाल देंगे। नीचे छींटे लगे, मेरे लगे। अब ये प्याज और हरी मिर्च डालने के बाद इनको हिलाएंगे अच्छे से हम, और एक दो मिनट के लिए पका लेंगे ब्राउन होने तक, प्याज का हल्का सा सुनहरी कलर आ जाए। ये देखिए एक दो मिनट हो गई, अब हम इसमें ये ककोड़े डाल देंगे जो हमने काट के रखे थे। और इनको पहले ही हम अच्छे से धो के सुखा के फिर काट लेंगे, यानी उसी टाइम धो के भी काट सकते हो, ज़्यादा सुखाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी धो के हम चालने में रख लेंगे इसको, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें बाकी मसाले नहीं डालेंगे। अभी हम नमक भी डालेंगे इसमें ताकि ये पक जाए, क्योंकि इसमें हम पानी का यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये सूखी सब्जी हम बना रहे हैं, वैसे ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं, लेकिन सूखी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नमक डाल दिया ना, तो ये दो तीन मिनट में पक के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम मसाला और लहसुन इसमें ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो, यानी थोड़ी सी अदरक कूट के डाल सकते हो शुरू में। अब इसको हम ढक देंगे और तीन चार मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम आंच पे। तो ये देखिए तीन चार मिनट हो गए इसको, और ककोड़े हमारे पक्के तैयार हो गए। बीच में एक बार हम इनको हिला लेंगे और देख लेंगे बीच तैयार हो कि नहीं, ये पके कि नहीं। तो आप देख सकते हो इस तरह से चम्मच से तोड़ के, और मैं चम्मच से तोड़ रही थी, ये आसानी से टूट रहे हैं, यानी पक गए ये, इनमें टाइम नहीं लगता पकने में बिल्कुल भी। और अब ये जो मसाला हमने लिया था, मिर्च हल्दी पाउडर और ये सारे डाल देंगे इसमें, और इसके साथ ही जो लहसुन लिया था उसको भी मैंने छील के तैयार कर लिया है, और इसको दरदरा सा कूट लिया, ये भी इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी, यानी सूखी सब्ज़ी हम बना रहे हैं। आप चाहो तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हो इस टाइम पे, मैं टमाटर नहीं डालूंगी, मैं इसको नींबू से बनाऊंगी, नींबू से ज़्यादा अच्छी बनती है ये। और इसको हम तीन चार दिन तक भी खा सकते हैं, फ्रिज में रख देंगे, और जैसे एक आज खा ली और कल नहीं खाने का मन है तो परसों फिर इसको गर्म करके हम अच्छी तरह और दोबारा यूज में ले सकते हैं, क्योंकि ये अचार की तरह है बिल्कुल। इसमें पानी तो हमने यूज किया नहीं है, तेल में बनाई। और अब इसको हम एक मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, और लो आंच पे पकाएंगे। तो ये देखिए एक मिनट और पका लिया हमने, और बहुत ही अच्छे से अब्जर्व कर लिया मसाले। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, यानी आधे नींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस अभी हमारा चालू है, गैस बंद किया हमने, और अच्छे से मिक्स करते ही हम गैस बंद कर देंगे, ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे नींबू डालने के बाद, नहीं तो ये थोड़ा सा टेस्ट इसका कड़वा देने लग जाता है।
और ये करेले की तरह बिल्कुल कड़े नहीं आते हैं, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इनकी। इनको देसी करेले बोलते ही हैं, बाकी टेस्ट उसकी तरह नहीं आता है। सब्जी हमारी बन के तैयार है, ये देखिए आप कितनी जल्दी सब्जी बनी है और बहुत ही स्वादिष्ट देसी सब्जी बनी है, बहुत ही हेल्दी रहते हैं ये। तो एक बार जरूर ट्राई करना दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।